हम जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्री से और को लेकर। रिलायंस पर चेक ले लेते हैं, दिन के निचले स्तर के पास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। श्रीकांत जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज सर क्या सलाह बन रही है? बिल्कुल, तो अगर रिलायंस की अगर बात करें तो इनफैक्ट यहाँ पे कुछ वीकनेस बना हुआ है। नो डाउट कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के काफी करीब आ चुका है, 2450-55 के करीब मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 10-12 डेज। मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिकवरी बनी है, लेकिन इस बार का जो सेल ऑफ इसमें बना हुआ है वो लगातार अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन प्रीवियस लो को कंसिस्टेंटली ब्रेक करते जा रहा है। तो 2450 के नीचे मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार 2400 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बी केयरफुल, एमडू से अगर लॉन्ग पोजिशन है तो 2450 का स्टॉप लॉस रखें। 2450 के नीचे शॉर्ट की पोजिशंस बना सकते हैं, या तो करंट लेवल्स पे भी शॉर्ट की पोजिशंस बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट 2500। तो 2500 का काफी नजदीक का लेवल है, उन्हीं लेवल्स के साथ शॉर्ट की पोजिशंस बनाएं, टारगेट्स रखें 2450 के। शॉर्ट की पोजीशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में रेकमेंडेड है 2400 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। वेट करना है अब जिनके पास है वो क्या करें, क्योंकि हालांकि वो कुछ कर भी नहीं सकते जब तक ये सर्किट खुलता नहीं है, और अगर आज के अलावा कल भी अगर सर्किट लग गया तो जो इंडेक्स से एक्सक्लूजन इसका होना है वो 3 दिन और आगे बढ़ जाएगा। अभी तक ये डेट 29 की है, 3 दिन बढ़ के, लेकिन 3 दिन और आगे बढ़ जाएगा, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। मयूरेश जी, जियो फाइनेंशियल, ये जब तक सर्किट नहीं खुलेगा या फिर अगर मान ली ऊपर के सर्किट अगर लेने लगने लगे उसकी संभावना हालांकि कम है, जब तक स्थिरता नहीं आती है शेयर में तब तक इससे फोकस हटेगा नहीं। आप ये बताइए सर कि इसको लेना कब है, लोग यही पूछ रहे हैं, एक ही सवाल है इसका बस। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती एक तो कंफ्यूजन बना रहेगा, बट आई थिंक जो एक फेयर वैल्यू एस्टिमेट लगा के रखे थे काफी एनालिस्ट ने स्ट्रीट के ऊपर, जियो फाइनेंशियल के ऊपर, ये 170 और 190 के बीच में थे, एंड दैट वॉज विद दी अजम्पशंस इन टर्म्स ऑफ जो भी इनका डेटाबेस है, जो एक्सपेक्टेशन है, बैक एंड इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स जो इनके पास है, एंड रिलायंस रिटेल जो एक ऑफलाइन ऑनलाइन मॉडल हो सकता है, विच मीन्स दैट दे विल हैव एन ओमनी प्रेजेंस चैनल as far as digital lending and an offline lending is concerned. But कहीं ना कहीं आई थिंक जब एक डिस्कवरी प्राइस हुई थी जो काफी आई थिंक दूर थी फ्रॉम वॉट एनालिस्ट हैड प्रोबेबली पेग्ड, एक वो डिफरेंशियल जरूर क्रिएट हुआ था, क्योंकि अभी तक आई थिंक देर इज नो सेट मॉडल पर से। आई थिंक मैनेजमेंट क्या सोच रही है, कौन से सेगमेंट्स टारगेट कर रही है, क्या पाथ है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स और ईयर्स, ये शायद EGM में खुलासा हो जो अगले सोमवार को हो रही है, और यहां से एक डायरेक्शन मिल जाएगी मार्केट को कि मैनेजमेंट की सोच ये कंपनी को बिल्ड करने में कैसी है और कितनी सक्षमता है नंबर्स को लेके एज फार एज द मैनेजमेंट इज कंसर्न। तो मुझे लगता है आई थिंक ये 2-3 फैक्टर्स हैं, सप्लाई साइड प्रेशर्स बरकरार रहेंगे, मैनेजमेंट की जब तक हमें व्यू पॉइंट नहीं मिलती एटलीस्ट हिंट्स फ्रॉम द AGM एंड अ स्ट्रक्चरल डायरेक्शन देयर ऑफ, थोड़ा प्रेशर स्टॉक पे बना रहेगा, तो जल्दबाजी ना करें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है और ये प्रेशर थोड़ा सा कुछ और दिन तक बना रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि